हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पहुंचे हैं बांगचौरी वाटरफॉल में, गंगटोक के अंदर। देखते हैं यहाँ का, ये एक पार्क है जिसके अंदर वाटरफॉल भी है और नेचर इतनी प्यारी थी। बारिश हो रही थी हल्की हल्की और हम बारिश में ही यहाँ घूमेंगे, लगता नहीं है बारिश के चांसेस। बंद होने की, ये देखो वाओ यार, इतना ही प्यारा वाटरफॉल है। यहाँ पे नीचे से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। और मैं लग गई अपनी रील्स वगैरह बनाने के लिए। बनचौकरी वाटरफॉल, अच्छे से नाम लेना नहीं आ रहा है, बट हाँ ऐसा ही कुछ था। गंगटोक के अंदर काफी अच्छा था ये वाटरफॉल। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वाटरफॉल पे। आज हम बहुत सारे वाटरफॉल्स ही देखने वाले हैं। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ और ये कुछ रॉक से बनाए हुए थे, अब इनका मतलब तो मुझे नहीं पता है। इसके बाद हम पहुंचे हैं बक्तांग वाटरफॉल में। ये ऑन रोड ही था, रोड के साइड में से ये पानी आ रहा था, बट ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ऐसे चारों तरफ से पानी आता हुआ। और बारिश हो रही थी, बारिश में ही मैंने जैसे अपनी रील्स वगैरह शूट की। यहाँ पे ये रील्स वाली वीडियो इसीलिए थोड़ा ब्लर आ रही है। इसके बाद हम पहुंचे मिनिस्ट्री में। ये थी गोंगजोंग मिनिस्ट्री, बहुत ही प्यारी थी, कलरफुल सी थी। यहाँ से पूरा सिक्किम दिखता है लेकिन फॉग की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। ये देखो यहाँ के अंदर का व्यू, इतना ही प्यारा कलरफुल सा है ये। इसमें बुद्धा की मूर्तियां हैं और ये फ्लैग्स लगे हुए हैं कलरफुल के, ये पर्दे से लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा था, देखने में इतना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स लगाई हुई थी, ये भी इतनी प्यारी, मतलब दिए लगाए हुए थे, ये भी बहुत प्यारे थे। इसके बाद हम जाएंगे तासी व्यू पॉइंट में। ये है तासी व्यू पॉइंट, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के हमें इसमें आगे जाना था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, फॉग हो रही थी, तो यहाँ से व्यू तो क्या ही दिखेगा, कुछ व्यू हमें नज़र ही नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ एक शॉप बनी हुई थी शॉपिंग के लिए, तो वो हम करके यहाँ से वापस आ गए, वैसे यहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद हम गए नेक्स्ट, ये था लासा वाटरफॉल। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू था, ये बहुत सारे फ्लैग्स लगाए हुए थे, पानी ऐसे आ रहा था। ये पापा और अंकल लगे हैं एक दूसरे का फोटो शूट करने के लिए। और इसके बाद करेंगे अब मेरा तो कोई नहीं फोटो शूट करेगा, कोई नहीं वीडियो बनाएगा, अब मम्मी और पापा का लग गई हमें फ़ोटो शूट करनी है, वीडियो शूट करने के लिए। बारिश हल्की हल्की हो ही रही थी, पूरा दिन बारिश पड़ती रही यहाँ पे। सो ये था हमारा। इसके बाद लग गए अंकल आंटी अपना फोटो शूट करवाने के लिए। गंगटोक का भी वेदर बहुत अच्छा था, यहाँ पे ठंड तो पूरी हो गई थी, बारिश हो रही थी और हम अपने फोटो सेशन के चक्कर में जैकेट वगैरह कुछ पहना भी नहीं था। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, अब जाएंगे एक पौधों की नर्सरी में। यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो देखते हैं ऊपर जाके कितने सारे पौधे हैं और कैसे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिरर के अंदर पौधे लगे हुए हैं। ये देखो फाइनली आ गया है, यहाँ पे एक मिरर का एक वो बनाया हुआ था रूम सा, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे। बारिश में आई थिंक ये नहीं होते होंगे, धूप नहीं चाहिए होगी इनको। तो ये देखो अंदर से कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं भाई साहब, इनके तो नाम भी याद नहीं होंगे। ये कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आई मम्मी और आंटी बनवाने लगी अपनी वीडियोज़, और कितने सारे रोज़ेस के फ्लावर्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, और ये ऊपर से पूरा ही कवर था मिरर से। पापा को बताने क्या मिल गया है। ऊपर जाके हम जाएंगे फिर वाटरफॉल में। वाओ यार, वो टॉप व्यू कितना प्यारा लग रहा है, ये वाटरफॉल ऊपर से पानी आ रहा है और ये कितना इतना ही प्यारा सीन था ना इसका, मतलब इतना ब्लर ब्लर सा आ रहा है मेरी वीडियोज़ में, बट वैसे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे शॉर्ट्स में देखना, उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं लगी हूँ साथ में मम्मी के साथ रील्स बनाने, क्योंकि मेरी और मम्मी की एक भी फ़ोटो और वीडियोस कुछ भी नहीं हुआ था, तो मुझे याद आया लास्ट ईयर कम से कम आज तो मैं बनवाई लूँ, तो ये साथ में मैंने कुछ बनवाई वीडियोस वगैरह। एंड ये हम चलते हैं अभी नेक्स्ट। ये देखो भाई ज्वाला कैसा लगा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा ही। और ये वाटरफॉल एक नंबर का व्यू था यार इसमें। अंकल को भी पता नहीं क्या मिल गया, इन्होंने भी कुछ तोड़ लिया, ये आके जाके बीज लगाएंगे कुछ। हाँ चेरी है, चेरी खाओ, चेरी है, लाल अंगूर नहीं है। उसके बाद हम पहुंचे गणेश चौक मंदिर में। बारिश बहुत तेज हो रही थी और मंदिर थोड़ी सी ऊंचाई पे था, सीढ़ियां चढ़ के हम आ गए हैं मंदिर में। ये है गणेश चौक मंदिर गंगटोक के अंदर सिक्किम में। और मैं मत्था वगैरह टेक के मैं यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेके आ गई हूँ। इसके बाद हम पहुंचे होटल, और होटल आने के बाद मुझे मिल गई है सेवैयां यानी कि सिमी। मैं खा के अपना गरम गरम, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कल जाते हैं वापस, बाय बाय। दिखाएंगे सिक्किम से दिल्ली का सफर, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।